NS गुजरात न्यूज में आपनो स्वागत छे ने हूं छु चारमी तो नजर नाखी हालना मुख्य समाचार पर। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए शुक्रवारे अंबिकापुर में एक चूंटणी सभा संबोधी। आ दरमियान तेओ नवा अंदाज में नजरे पड्या। सभानी शुरुआत में तेमणे सरगुजानु पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर ने लगभग 20 सेकंड सुधी वगाड्यु। वडाप्रधाने कह्युं के कांग्रेस पार्टी ने ऊँघ नहीं आती कि अमरा परिवार की विरासत अमरी राजगादी ने एक चावाड़ो कई रीते चोरी ने लई गयो। आ दरमियान बस्तर और राजनांदगांव जिला में पहला तबक्का में 18 सीटों पर 76% मतदान ने लईने बस्तरवासीओं की प्रशंसा पण करी हती। मोदीए कह्युं के मारा माटे अंबिकापुरवासीओए सभा माटे लाल किल्लाने प्रतिकृति बनावी हती, तो दिल्ली में बैठेली सरकारनी ऊँघ उडी गई हती। प्रथम तबक्का में वोटिंग जोईने पण ऊँघ उडी गई छे। बस्तरवासीओए मतदान ने लईने जे उत्साह देखाड्यो हतो तेनी प्रशंसा थवी जोईए। मोदीए कह्युं के कोंग्रेसे अंबिकापुर ने बदनाम कर्युं छे, जेनो हिसाब मांगवानो समय आवी गयो छे। आ चूंटणी में शोधी शोधीने तेमने घरे मोकलशुं। आज देश में भाजप एकमात्र एवी पार्टी छे जे भेदभाव वगर, मारा तारानो हिसाब कर्या वगर के कोईपण जातना भेदभाव वगर एक मंत्र ने लईने चाले छे। सौनो साथ सौनो विकास। वडाप्रधाने कह्युं के પડકાર હતો કે જેની આંગળીમાં નિશાન હશે તેની આંગળી કાપી નાખવામાં આવશે। આંગળી કાપવાનો પડકાર આપનારને બસ્તરના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરીને જવાબ આપ્યો છે। તેઓ મતદાન માટે પ્રેરણા છે। બસ્તરના લોકોએ જે હિંમત દેખાડી છે તેમનું સમર્થન કરવું જોઈએ કે નહીં તે કરવું एकदम સહેલું છે। 20 તારીખે તમે તેમનો રેકોર્ડ તોડી નાખો। પીએમએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ ઘણા વર્ષો સુધી તેલંગાણાની માંગ ફગાવતી રહી, તેલંગાણાનું આંદોલન કરનારા લોકો પર ગોળીઓ ચલાવતા રહ્યા, પરંતુ ક્યારેય સંસદમાં ચર્ચા ન કરી। જ્યારે રાજકીય ઉલ્લુને સીધો કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના લોકોના હકોમાં સાંભળ્યા વગર જ નિર્ણય કરી લીધો। કોંગ્રેસે દેશમાં 4 પેઢીઓ સુધી શાસન કર્યું, પરંતુ તેનો હિસાબ ન આપ્યો। उपरथी अमारी पासे हिसाब मांगी रहा है। पहला पोतानी 4 पेढ़ीओनो तो हिसाब आपो। ब्यूरो रिपोर्ट NS गुजरात न्यूज। तो देश में हालना दिवसों में राम मंदिर निर्माण पर एक बाजू जो चर्चाओं जोरशोर में है, त्यां बीजी बाजू राम मंदिर माटे हवे मुसलमानों पर पोतानो समर्थन आपी रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंचना नेता यासिर जिलानीए पण राम मंदिर माटे हुंकार कर्यो छे। जिलानीए राम मंदिरना निर्माण माटे आज देशभर में मुस्लिमोने एकजूथ करीने समर्थन आपवानी वात करी छे। यासिर जिलानीए कह्युं के अमे डिसेम्बर में देशभरना मुस्लिमोने एकजूथ करवानो प्रयत्न करीशुं। अमे लगभग 25,000 मुसलमानोने दिल्हीना रामलीला मैदान में एकजूथ करवानुं आह्वान करी रह्या छीए। तेना द्वारा अमे एवो संदेशो आपवानी कोशिश करीशुं के राम मंदिरना निर्माणनो योग्य समय आवी गयो छे। अत्रे जणाववानुं छे के 2019 लोकसभा चूंटणी पहेला एकवार फरीथी गमायेला राम मंदिर निर्माणना मुद्दे संघ जल्दी केन्द्र सरकार पर कोई कार्यवाही लेवा माटे दबाण सर्जी शके छे। अयोध्या कूचना संदेश साथे आज सांजे 4 वागे काशी में प्रचारक संवर्ग मंथनी बैठक समाप्त थशे। छेल्ला 6 दिवसोथी वाराणसी में चाली रहेली आ बैठक में अत्यार सुधी अनेक महत्वना निर्णयों लेवामां आव्या छे। एवो निर्णय लेवामां आव्यो छे के राम मंदिरना पक्ष में राष्ट्रीय स्तरे प्रभाव बनावो अने 25 नवेम्बर सुधी रोज वधुमां वधु लोकोने अयोध्या पहोंचाडवामां सहयोग आपो। आ साथे ज शियाळो सत्र पहेला राम मंदिर निर्माणने लईने सरकार पर दबाण बनाववानुं छे। आ बाजू केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्माए कांग्रेस पासे मांगणी उठावी के राम मंदिर पर तेओ पोतानुं वलण स्पष्ट करे। अमे अयोध्या में राम मंदिर इच्छीए छीए। केंद्रीय मंत्री महेश शर्माए कह्युं के राम मंदिर राजकीय मुद्दो नथी, ते भारतीयोनी भावनानो सवाल छे। अमे अयोध्या में राम मंदिर इच्छीए छीए। देशना बंधारणनी जोगवाईओ प्रमाणे तेनो उकेल आवशे, कारण के सुप्रीम कोर्ट में आ मामले सुनावणी चालू है। आ बाजू इकबाल अंसारीनी सुरक्षा मामले कह्युं के मुसलमानों ने पड़ोसी देशों करता वधु सुरक्षा भारत में मळे छे। ब्यूरो रिपोर्ट NS गुजरात न्यूज। संभावना अने अलर्ट वच्चे गाजा तोफान गुरुवारे अने शुक्रवारे रात्रि दरमियान राते लगभग 1:45 वागे तमिलनाडुना नागपट्टनम में पहोंच्यो हतो, ज्यां तेमणे तबाही मचावी हती। तूफान में हाल सुधी में 11 लोकोना मौत निपज्या छे। गाजा तोफाननी असरथी थयेल लैंडफॉल दरमियान त्यां हवानी गति लगभग 90 થી 100 किलोमीटर प्रति कलाक नोंधवामां आवी छे। गाजा तोफाने बीतेल रात नागपट्टनम अने वेदरानियम में एंट्री करी गुरुवार सांते ज विशाखापट्टनम में तटना विस्तारों में वरसाद और झड़पी पवन फूंकावा लाग्या। झड़पी हवाना कारणे नागपट्टनम में घणी जग्याओ पर मोटा मोटा वृक्षों घरासाय थई गया था। साथ ज घणा घरोने मोटुं नुकसान पण पहोंच्युं। त्यां ज मोडी राते चेन्नई हवामान खाताओ जाणकारी आपी हती के गाजा समुद्रने पार करी जमीन पर आवी जशे, तेवा जमीन पर आवतानी साथे ज तेनी झड़प समुद्रनी उपर रहेवानी सरखामणी थोड़ी ओछी हशे अने धीमे धीमे तेमां गति देखाशे। आपने जणावी दઈએ કે ગાજાના જોખમને જોતા હાલ સુધીમાં લગભગ 60,000 કરતાં વધુ લોકોને પ્રદેશના 6 જિલ્લા સ્થિત 331 રાહત શિબિરમાં પહોંચાડવામાં આવી ચૂક્યા છે। ગાજા તોફાનમાં ગુરુવારે મોડી રાત્રે દક્ષિણ તમિલનાડુ તટ પર કરવાનો ઉદ્દેશ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જે જિલ્લાઓમાંથી તેના પસાર થવાનો અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલ છે। હવામાન ખાતાના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર એસ बलाचंदनना जणाव्या अनुसार नागपट्टिनम अने नजीकना पुडुचेरीमां कराईकलथी लगभग 140 किलोमीटर दूर खाड़ी उपरथी पसार थई रहेल तोफानथी गुरुवारे रात्रे कुडालोर अने पांबन वच्चे तळेटी पार करवानुं अनुमान सेवामां आवी रह्युं छे, जे बाद तेनी गति धीमी पड़शे। तोफान पहोंचता समय तेनी गति 80 थी 9 किलोमीटर सुधी रहेवानुं अनुमान छे, जे बाद तेनी गति 100 किलोमीटर प्रति कलाकनी गतिथी पहोंची शके छे। तोफान पहेला तमिलनाडु घणा विस्तारोमां वरसाद शरू थई गयो छे, जे पहेला हवामान खाता द्वारा आ अंगे आशंका पण व्यक्त करवामां आवी हती। नागापट्टिनम अने अन्य जिल्लामां नीचाणवाळा विस्तारमां रहेता लोकोने सुरक्षित जग्याए मोकलवामां आव्या छे। 7 जिल्लाओमां शाळामां पण रजा जाहिर करी देवामां आवी छे अने सरकारे खानगी कंपनी पासेथी पोतानी कर्मचारीओने जल्दी ज पाछा मोकलवा माटे कहेवामां आव्युं छे। इंडियन नेवीने दक्षिण तमिलनाडु अने पेडीचेरीनी तट तरफ वधी रहेला गाजा चक्रवर्ती तोफानने जोता हाई एलर्ट आपवामां आव्युं। इंडियन नेवीने जणाव्या अनुसार पूर्वीय नौसेना कमाने आवश्यक मानवीना सहायता पहोंचाडवा माटे उच्च स्तरीय तैयारी करवामां आवी छे। ब्यूरो रिपोर्ट एनएस गुजरात न्यूज। तो जूनागढ़ वन विभाग रोजमदार मजूरो वन विभाग की ऑफिस में विविध मांगणी मुद्दे प्रतीक उपवास आंदोलन पर उतर्या हता। वन विभाग मजूर मंडळना प्रमुख नानजीभाई लक्ष्मण कोठीवालना जणाव्या अनुसार तारीख 15-11-18 थी उपवास पर बेसेल होय तेमनी मांगणी मुजब वन विभागना रोजमदार मजूरोने सुप्रीम कोर्टना आदेश मुजब 1 वर्षमां 240 दिवस काम करेल होय तेवा रोजमदार कर्मचारीने 30 दिवसनो पगार अने मेडिकलनो लाभ मळवा पात्र होय। आ ठराव मुजब 15-9-14 अने 6-4-16 जणाव्या अनुसार जुदी जुदी रेंजमां रोजमदार मजूरो काम करे छे तेने 30 दिवसनो फूल पगार अने मळवापात्र लाभ मळवा जोईए, परंतु सुप्रीम कोर्टना आदेशनी अवगणना करी वन विभागना अधिकारीओ रोजमदार मजूरोने आउटसोर्सिंगमां काम करवानो हुकम करेल छे। आ रोजमदार मजूरोने 2 महीनानो पगार पण मळेल नथी तो मजूरोनी मांग मुजब वनतंत्र आउटसोर्सिंग बंध करी योग्य कार्यवाही करीने न्याय आपी 1 वर्षमां 240 दिवस काम करेल रोजमदार मजूरोने कायमी करे। अंतमां वन मजूर मंडळना प्रमुख नानजीभाईए मीडिया समक्ष जणाव्युं हतुं के ज्यां सुधी वन मजूरोनी मांगणी नहीं संतोषाय त्यां सुधी आ उपवासनुं आंदोलन चालू रहेशे। परेशभाई साथे वाढिया मितुल कुमार, एनएस गुजरात न्यूज, जूनागढ़। तो हालना बुलेटिनमां समय थयो छे ब्रेकनो, तो लईए एक ब्रेक। मैं इंद्र मौर्य, ओम शांति विद्यालय की तरफ से आप सभी देशवासियों को दिवाली की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और विद्यालय द्वारा ये शुभकामना देता है कि आपका नया वर्ष मंगलकारी हो, शुभकारी हो और प्रगतिकारी हो। समग्र गुजरातना परिवारना सौ स्वजनों भाई बहनों ने दिवाळीनी शुभकामना अने आगामी नवुं वर्ष आपना सौना माटे खूब सारूं सुखमय शांतिमय समृद्धि साथे पसार थाय एवी हृदयनी शुभकामना अने एनएस गुजरातने पण शुभकामना। एक नवुं साहस मीडियाना क्षेत्रमां प्रचार माध्यमना क्षेत्रमां शरू थयुं छे, एमने पण गुजरातनी प्रजा खूब स्वीकारे आवकारे अने ए पोतानुं माध्यम बनावे एवी पण शुभकामना। खास करीने आपणो आ तहेवार ए तमाम ज्ञाति जाति वर्ग प्रांत भाषा संप्रदाय ए बधा साथे मळीने उजवे। जेम सरदार साहेबे समग्र देशने एक कर्यो अने ए वखतना नवाबो राजा बादशाहोए भारत माता ने समर्पित पोताना राज्यों करीने एक राष्ट्र बनाव्युं। एम आपणे बधा ज्ञाति जाति प्रांत भाषा संप्रदाय आ बधा एक थईने एक भारत श्रेष्ठ भारत एवो संकल्प करिए तो मने लागे छे के आपणे जे रीते कहीए छे माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी आहा आ धरती ना अपने बदा पृथ्वी ए माता छे ने ना अपने बदा संतानो छे तो कोईपण जाति संप्रदाय वर्ग प्रांत भाषा ना बधा अपने एक माना दीकरा छे एवा रीते जीववानो संकल्प करिए तो साचा अर्थमां भारत श्रेष्ठ भारत बने अने आपणुं पारिवारिक भावना पण खूब उज्जवल बने एवी शुभकामना अने नवा वर्षथी आपणे आ बधा संकल्प करीए के आपणे बधा एक थईने राष्ट्र तरीके दुनियाने नक्शामां टट्टार उभा रही शकीए अने गौरव जाळवी शकीए एवी ईश्वर आपणे शक्ति आपे। मैं डॉक्टर हसमुख अग्रवाल यहाँ साहिबाग में रेशम भाई हॉस्पिटल चलाता हूँ। इस दिवाली के अवसर पे मैं अपने गुजरात के भारत के लोगों को दिवाली की खूब खूब शुभकामना देता हूँ। महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश में वासियों के ऊपर धन की वर्षा बनी रहे, उसके माध्यम से सब लोग सुखी संपन्न हो और सबका स्वास्थ्य खूब बढ़िया रहे। ऐसे ही मैं दिवाली के अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। NS गुजरात न्यूज़ चैनल ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अने हूँ पोते हिमांशु पटेल प्रदेश प्रवक्ता अपनी आ लोक चैनल प्रजालक्षी चैनल ने हूँ समग्र गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति वती थी अने हूँ समग्र गुजरातनी जनता ने नूतन वर्षाना अभिनंदन अने आवनारू वर्ष खूब सारू जाए एवी समग्र पार्टी वती थी अमे प्रार्थना करीए छीए अने आपनो जे प्रेम आशीर्वाद मत स्वरूपी अने आंदोलन स्वरूपी बंने रीते जे कांग्रेस साथे गत वर्ष मर्यो एवो ज प्रेम अने भाव अमारा तरफी रहे एवुं अमे आपना अमारी आपणी पोतानी आ गुजरातनी अने गुजरातना प्रश्नोने वाचा आपती चेनल वती थी अमे आप सर्वने फरीथी नूतन वर्षे अभिनंदन पाठवीए छीए। કાંકરેજ તાલુકાના ખારિયા પાસે બની રહેલ ડાયવર્ઝન ઉપર અચાનક રાત્રિના સમયે ગાબડું પડતા ખારિયા નદીમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી ખારિયા નદીમાં વહેવા લાગ્યું હતું। અંદાજે હજારો ક્યુસેક પાણી નદીમાં વહી ગયું છે। રાત્રિના સમયે અચાનક નર્મદા મુખ્ય કેનાલ ઉપર હાલમાં જે નવીન સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં રાત્રિના સમયે ગાબડું પડ્યું હતું અને હજારો ક્યુસેક પાણી નદીમાં વહેવા લાગ્યું હતું। ગાબડું અંદાજે 50 મીટર આજુબાજુનું હતું। જ્યારે ગામ લોકોની વહેલી સવારે જાણ થતાં લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા। તેમજ આપણી ચેનલના બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ચાલતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું અને તાબડતોડ નર્મદાના અધિકારીઓ અને સ્થાનિકનું તંત્ર દોડતું થયું હતું। આ પાણીએ ખારી અને આજુબાજુના ગામ લોકોને 2017માં આવેલા પૂરને તાજું કરાવ્યું હતું। बाजू साइफनનું કામ ચાલુ છે। ત્યાં કેનાલના ડાયવર્ઝનના કેનાલનું ગાબડું પડતા સાઇફનના કામ કરનાર કોન્ટ્રાક્ટરની અને નર્મદાના અધિકારીઓની બોર્ડર કરી જ્યારે મીડિયામાં આવતા તંત્રે તાત્કાલિક કામ ચાલુ કરાવી ગાબડું પૂરવા માટેનું કામ ચાલુ કરાવ્યું હતું। गाबड़ा विषय साइफन पर चलावता कामना वारंवार नर्मदा केनाल पर पड़ता गाबड़ा में कोन्ट्राक्टर और अधिकारीओं की बेदरकारी ने लीधे पानी नो वेटफाट जोवा मळे छे। बाजू बनासकांठा अने दुष्काळग्रस्त जाहिर करवामां आव्या छे। बीजी बाजू आ रीते गबड़ाओ पड़ीने हजारों लाखों लीटरों पानी बगाड़ जोवा मळी रह्यो छे। बीजी बाजू नर्मदाना अधिकारीओ द्वारा खेडूत केनाल मांथी पाणी लेतो चोरी करे छे तेवुं कहीने खेडूतोने टोटा कापवामां आवे छे। आजे तो नर्मदा नहेरना अधिकारीने बेदरकारी सामे आवी छे तो शुं आवा अधिकारीओ अने कोन्ट्राक्टर सामे पगला लेवा छे। खरिया विस्तारना खेडूतोमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। गाबडू पड़ता नदीमां पाणी आववाथी पाणीना स्तर उपर आवे छे अने शियारू खेती सारी करी शके छे तेवुं गाम लोकोमां चर्चा जोवा मळी हती। अकेला आगे बना बनो केनाल तो हमने मैसेज सवारे पहला मड़े से पर हमने मड़े मैसेज तरह तमे आई गया छे काम चालू कर। अंदाजे केटला फूटनो गाबड़ू पड़ियो छे? अंदाजे लगभग 15 मीटर यानी अंदर से लगभग 8 मीटर तो पूरी जवाई काम चालू है। तो कलाक दे टोटल पानी केटलो वेस्ट गयो छे? अंदाजे क्यूसेक में तो गणी है। हां क्यूसेक में गणी गणाई है कारण के कैलकुलेशन वापराई तो अंदाज दिवस है तो अंदाज ना निकले कोई कैलकुलेशन लंबाई पड़े ऊंडे क्यों मापवा दिया था पण ओछो वेस्टेज થાય માટે કામ તાત્કાલિક ચાલુ કરી દીધું। આ ગાબડો કેટલા સમયમાં ભરાઈ જશે? લગભગ 2 કલાક ના પાણી બંધ તો નહીં રહે? પાણી બંધ નહીં રહે, પીવાનું પાણી બંધ રહે, ખેતીનું પાણી બંધ રહે। આપણે ટેમ્પરરી થોડું પાણી ઓછું કર્યું છે। साहेब वारंवार गाबड़ा पड़वाना शुं कारण? आपणे वारंवार गाबड़ा पड्या ज नथी। पहेली वार बनासकांठा जिल्लाना कोपरे तालुकाना खारिया गाममां नदीनी अंदर पूर आव्युं। पूर एटले केनाल जे तूटी छे बेदार। जे हरसी वाघेला साथे NS गुजरात न्यूज बनासकांठा। तो गुजरातना पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला आज પોતાના નિવાસસ્થાને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। આ દરમિયાન તેમણે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના નેતા हार्दिक पटेल ने मदद करवा अंगे जणाव्युं हतुं। भाजपे हार्दिक ने घणी बाबतोमां हैरानगति करवी जोईए नहीं। हार्दिक जो मारा पड़छायामां रहेशे तो तेने नुकसान थाय तेम छे, जो योग्य नथी। ज्यारे भाजपना वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणीना लोकसभा चूंटणी लड़वाने लईने जणाव्युं हतुं के हूँ दिल्लीमां अडवाणीने मळ्यो हतो। तेमनी साथेनी वातचीतमां मैं पूछ्युं हतुं के अमे गांधीनगरथी चूंटणी लड़वाना छो तो अडवाणीए हा पाडी अने तेमणे इशारो कर्यो हतो के जो ईजीजी कहेशे तो चोक्कस लड़ीश। आगामी लोकसभा चूंटणी में भाजपनो पराजय थवानी आगाही करता वाघेलाए वधुमां जणाव्युं हतुं के 2019 नी लोकसभा चूंटणी में भाजपना वळता पाणी देखाई रह्या छे। ज्यारे भाजप सिवायना अन्य राजकीय पक्षों 300 बेठको साथे केन्द्र में सत्ता हासिल करशे। लोकसभा चूंटणी में भाजपने हरावा माटे पोतानो मुख्य रोल रहेशे। समग्र देश में प्रवास करी रह्यो छुं अने भाजप विरोधी जे कोई पक्ष लड़ता हशे तेमने साथ आपवा हूँ तैयार छुं। केन्द्रनी मोदी सरकार तमाम मोर्चे निष्फळ होવાનો उल्लेख करता वाघेलाए કહ્યું હતું કે સૌથી વધુ દુખી દેશના ખેડૂતો છે। તેમને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા આપઘાત કરી રહ્યા છે જે ઘણી દુઃખની બાબત છે। મેં ગઈકાલે ઇલેક્શન કમિશનને પત્ર લખ્યો છે। મેં લખ્યું છે કે જે ઇફ્સનોને હેતુ જલ્દી મતદાન કરવાનો હતો પરંતુ ઘણી સમસ્યાઓ સામે આવી છે। ઇફ્સમાં ટ્રેમ્પરિંગ થાય છે એટલે ડેવલપ દેશો છોડી દીધા। આવનારી ચૂંટણીમાં પેપર બેલેટ લગાવવામાં આવે તો પેપર ટ્રેલ બધા બૂથ અને મશીન પર લગાવવામાં આવે જેથી मतदार वेरीफाई કરી શકે અને मतदारને હાશ થાય કે એણે જ્યાં મત નાખ્યો છે ત્યાં પડ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ NS ગુજરાત ન્યૂઝ। બંગાળની ખાડી તરફથી તમિલનાડુ અને પોંડિચેરી તરફ આગળ વધેલું ગાઝા નામનું વાવાઝોડું ગુરુવારે મોડી રાતે તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને ત્રાટક્યું હતું જેના કારણે ઝડપી પવન ફૂંકાયો અને વરસાદ પણ પડ્યો હતો। ગાઝા તોફાનથી સૌથી વધુ નુકસાન નાગાપટ્ટિનમમાં જોવા મળ્યું છે। આખી રાત વરસાદ તૂટી પડ્યો અને ખૂબ ઝડપે પવન ફૂંકાયો જેના કારણે અહીંના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઝાડ અને મકાનો પડ્યા છે। અત્રે જણાવવાનું કે ભારતીય હવામાન ખાતાએ અનુમાન લગાવતા કહ્યું છે કે ગઝા વાવાઝોડું શુક્રવારે સવારે નાગાપટ્ટિનમના દક્ષિણ કુડ્ડાલોર અને પામ્બન વચ્ચે તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારને પાર કરશે। ગુરુવારે રાત્રે હવામાન ખાતા દ્વારા એક બુલેટિનમાં કહેવાયું હતું કે વાવાઝોડું ત્રાટકશે ત્યારે 90 થી 100 કિલોમીટરને ઝડપે પવન ફૂંકાશે। ત્યારબાદ તેની ઝડપ 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે પહોંચી શકે છે। રાજ્ય સરકારે તોફાનની ઝપેટમાં આવી શકનારા જિલ્લાઓને તંત્રને સંપૂર્ણ રીતે એલર્ટ રાખ્યું હતું। સરકારે જણાવ્યું કે કુલ 63203 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે અને નાગાપટ્ટિનમ અને કુડ્ડાલોર સહિત 6 જિલ્લામાં 331 રાહત કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે। આ અગાઉ ભારતીય હવામાન ખાતાએ गत सांजे 7:50 रोज एक बुलेटिन में कह્યું હતું કે તોફાનની અસર દરિયાકાંઠા સુધી પહોંચી ગઈ છે અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। કુડ્ડાલોર અને રામનાથપુરમ સહિત 7 જિલ્લાઓમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર કરી દેવાઈ છે અને સરકારે ખાનગી કંપનીઓ અને પ્રતિષ્ઠાનોને પોતાના કર્મચારીઓને જલ્દી ઘરે પાછા મોકલવા કહ્યું હતું જેથી કરીને તેઓ સાંજે 4 વાગ્યા પહેલા જ ઘરે પહોંચી શકે। ब्यूरो रिपोर्ट NS गुजरात न्यूज। तो वडिया शहरना ढोड़वा नाका आवेड़ा विस्तार अने सुरगेश्वर मंदिर पासे पीवाना पाणीना टाका गंदगी विस्तारमां आजा दिना 8 आटला वर्षो वीती जता आज सुधीमां वडिया ग्राम पंचायतमां सत्ताओ भोगवी रहेला एक पण सरपंच तरफथी के आटला वर्षोथी चूंटाया हता धारासभ्यो તેમજ सांसद सभ्यो पासेथी चूंटणी समय दरमियान મળેલ વાયદાઓ વચનો અને લોલીપોપ સિવાય એક પણ જાતની પાયાની પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળી નથી। वडिया शहरना ढोड़वा नाका आवेड़ा विस्तार अने सुरगेश्वर मंदिर पासे पीवाना पाणीना टाका गंदगीना विस्तारमां आज सुधीना 8 आटला वहणा वीती जवा छतां आज सुधीमां वडिया ग्राम पंचायतमां सत्ताओ भोगवी रहेला एक पण सरपंच तरफथी के आटला वर्षोथी चूंटाई आवता धारासभ्यो તેમજ सांसद सभ्यो पासेथी चूंटणी समय दरमियान મળેલ વાયદાઓ અને વચનો અને લોલીપોપ સિવાય એક પણ જાતની પાયાની પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળી રહેલ નથી। तो बस डेंग्यू मलेरिया जीबीएस वायरस तेवी भयंकर बीमारीओ गंदकीथी लथपथ वडिया शहरने बचावा माटे नथी तबीब के नथी सफाई कामदारोने पण छूटा करवामां आव्या। लोकोना ककड़ाटमांथी मळती माहिती मुजब छेल्ला घणा समयथी वडियामां महिला सीट होवाथी महिला सरपंच होवा छतां वडिया ग्राम पंचायते तमाम वहीवट सरपंचनी खुर्सी पर बेसीने तेमना पतिदेव करी रह्या छे अने सरकारना परिपत्रनी धजिया उडावी रह्या छे। ग्राम पंचायतनो तमाम वहीवट जे सरपंच होय तेने ज करवानो होय छे पण वडियामां सरपंच पति सरकारना परिपत्रनो उलाड़्यो करीने शासन भोगवी रह्या छे। जे हाल वडियामां सरपंच पतिना तमाम वहीवटने लीधे वडियाना मतदाताओने अफसोस थई रह्यो छे। सरपंच पतिनुं बेहुदू वर्तन अने ज्यां जुओ त्यां गंदकीना साम्राज्य पथरायेला अने उभराती गटरोथी वडियानी जनता त्राहीमाम पोकारी उठी छे। वडियामां घरे घरे डेंग्यूनी बीमारी फैलाई रही है। वडिया सरपंच पतिना आरसीसी रोड जेवा कामोनी तपास करवामां आवे तो पण भ्रष्टाचार स्पष्ट देखाशे। मात्र 6 महीनामां ज रोडमां गाबड़ा पड़ी गया है। हालमां वडियानी उभराती गटरो अने गंदकीना गंज तेमज उकरडा आंगणवाड़ीओ अने पेटा आरोग्यना पटांगणमां ज जोवा मळे छे। हालमां वडियाना रेसिडेंट एरियाओमां अने पब्लिकनी फरियादोने कागळ पर लेवामां आवे छे। त्यारबाद लाइट पाणी अने सफाईनी फरियाद पंचायतना सत्ताधीशो गजनी बनीने भूली जाय छे અને સ્વચ્છતા અભિયાનની ધજિયા ઉડાવી રહ્યા છે। વડિયા શહેરમાં ડેન્ગ્યુ જેવા રોગચાળાઓએ માજા મૂકી છે ત્યારે વડિયામાં ગુલિયનબ્રી સિન્ડ્રોમ નામનો ખતરનાક વાયરસ પણ જોવા મળ્યો છે અને વડિયા સિવિલ હોસ્પિટલના ખુદ તબીબ સહિત સ્ટાફમાં 4 ડેન્ગ્યુના પોઝિટિવ કેસ જોવા મળ્યા છે। હાલ વડિયાની સિવિલ તબીબ વિહોણી છે અને દર્દીઓ જેતપુર સારવાર અર્થે દોડે છે। સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી મુજબ ડેન્ગ્યુના કેસો 70 થી 80 જેટલા હશે અને સરપંચને વડિયાની જનતા હેરાન પરેશાન થતી નજરે આવતી નથી। सस्ती प्रसिद्धि मेळववामां रस धरावे छे अने महिला सरपंच ग्राम पंचायते देखाता नथी छतां मुख प्रक्षेप बनीने जोया रहे छे। जो हालमां उच्च अधिकारी द्वारा कायदेसरनी फरज अने तपास करवामां आवे तो अनेक कौभांडो सरपंच पतिना सामे आवे तेम छे। थोड़ा समय पहला टीडीओ अने कलेक्टरने लग्न नोंधणी अधिनियम मुजब चालती नोंधणी विरुद्धमां सरपंच पतिए रजूआत करवा माटे पहोंच्या हता। वडियामां डेंग्यूना सिकंजामां आवेला परिवार प्राइवेट होस्पिटलमां धोवाई रह्या छे त्यारे सरपंच के सरपंच पति वडिया सिविल होस्पिटल में तबीब विहोणी है जो रजूआत करवा माटे पहोंचता नथी ने मात्र पोताना फायदाओनो विचारीने वडियाना मतदाताओ हैरानगति भोगवी रह्या छे अने अफसोस पण करी रह्या छे। परेश परमार साथे NS गुजरात न्यूज वडिया। तो हालना बुलेटिन में समय थयो छे ब्रेक नो तो लईए एक ब्रेक। मित्रों गुजरात अने आखा भारत में जे आपणे संवत वर्ष कहेवाय हिंदू वर्ष ए प्रमाणे दिवाळीनी उजवणी करवामां आवे छे। एमां खास करीने गुजराती में बीजा बधा करता आखा भारत में बीजा राज्यों करता जुदी रीते उजववामां आवे छे। 5 दिवसनो कंटीन्युअस आ तहेवार उजववामां आवे छे अने खूब सारी रीते उजववामां आवे छे अने बीजा दिवसथी आपणा हिंदू वर्ष प्रमाणे नवुं वर्ष चालू थतुं होय छे। तो आ माटे हूँ सरकार वती अने सिविल होस्पिटल वती आप सौने दिवाळी और नवा वर्षनी शुभकामनाओं पाठवुं छुं। आपनुं आवतुं वर्ष सारूं जाय एवी भगवानने प्रार्थना करूं। जगदीश ठाकोर, पूर्व सांसद पाटण, एनएस गुजरात न्यूज ना दर्शकों अने समग्र गुजरात ने देशनी प्रजा ने दीपावली नवा वर्षनी शुभेच्छाओं पाठवू छू। दीपावलीनु पर्व ए अंधकारमांथी उजासमां जवानुं पर्व छे। बेसतुं वर्ष अने नवुं वर्ष ए आपणा जीवननी एक नवा वर्षनी शरूआत करवा ज्यारे जई रह्या छीए त्यारे दीपावलीनु पर्व, दिवाळीनु पर्व अने नूतन वर्षाभिनंदन आप सौने पाठवुं छुं। एनएस गुजरात न्यूज समग्र गुजरात में लोकोना प्राण प्रश्नों ने वाचा आपी रह्युं छे, प्रजाना मुद्दाओं ने उठावी रह्युं छे अने आजना तबक्के आ न्यूज चैनल ने पण हूँ मारी शुभेच्छाओं पाठवुं छुं अने खूब खूब नवा वर्षनी शुभेच्छाओं। हूँ जलपीन भीमाणी एम एन विद्यालय शाला परिवार तरफ थी आप सौने दिवाड़ी और नवा वर्षनी शुभेच्छा पाठवू छूँ। आ साथे तमारू नवुं वर्ष खूबज सुखदमय रहे और समृद्धिमय बनी रहे एवी शुभेच्छा और दिलथी प्रार्थना। मैं जिग्नेश आर मौर्य ब्राइट इंग्लिश स्कूल सीटीएम की तरफ से आप सभी को दीपावली एवं नूतन वर्षा अभिनंदन एवं भाई बहनों के पावन पर्व ऐसे भाई दूज की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। कर दिया बस हूँ वीडीवाड़ा कलोल सिटी पोलिस स्टेशन गांधीनगर जिलों आना वाली दिवाड़ी और नव वर्ष बधा मित्रों माटे लाभदायी शुभ निवड़े एवं शुभकामना पाठवू छूं। नजर नाखे हालना मुख्य समाचार पर। सुप्रीम कोर्टे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा सामे लगाववामां आवेला आरोप केस में केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तपास रिपोर्ट विषय शुक्रवार सुनावणी करी छे। कोर्टे तपास रिपोर्ट ने सीलबंध कवરમાં વર્માને સોંપવાનો આદેશ કર્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી સીવીસીએ આલોક વર્મા પર લગાવવામાં આવેલા આરોપનો તપાસ રિપોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટને સોંપ્યો હતો। સુપ્રીમ કોર્ટે વધુ એક સુનાવણી 20 નવેમ્બર સુધી પાછી ઠેલી દીધી છે। सीबीआईના ટોપ બે અધિકારીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલી લડાઈમાં સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવું પડ્યું। સરકારે બંને અધિકારીઓને મામલાની તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી રજા પર મોકલી દીધા છે। વિપક્ષે સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો છે કે સીબીઆઈ ચીફ વર્મા રાફેલ ડીલની તપાસ કરી રહ્યા હતા। सीबीआई में आस्थाना मीट व्यापारी मोइन कुरेशी साथे जोड़ायेला केसनी तपास करी रह्या हता। आ तपास दरमियान हैदराबादना सतीश बाबू पण घेराया हता। एजेंसी ₹50 लाखना ट्रांजेक्शन केसमां तेना विरुद्ध तपास करी रही हती। सनाए सीबीआई चीफ ने करेली फरियाद में कहेवामां आव्युं के अस्थानाए मामले तेमने क्लीन चीट आपवा 5 करोड़ रूपिया मांग्या हता। जो कि 14 ऑगस्टे अस्थानाए सीवीसी ने पत्र लखीने डिरेक्टर आलोक वर्मा पर सना पासेथी 2 करोड़ रूपिया लीधा होवानो आरोप लगाव्यो छे। गई सुनावणीमां सीवीसीए कोर्टने 2 सीलबंध कवरमां तेमनो रिपोर्ट सौंप्यो हतो। त्यार पछी सुप्रीम कोर्टे सुनावणीनी आगामी तारीख आपी दीधी हती। सीवीसी तरफथी कोर्टने जे रिपोर्ट आपवामां आव्यो छे तेमां केसनो तपास रिपोर्ट अने नागेश्वर द्वारा लेवामां आवेला निर्णयोनुं लिस्ट आपवामां आव्युं छे। रजा पर मोकलवामां आवेला डिरेक्टर आलोक वर्मा अने स्पेशियल डिरेक्टर राकेश अस्थाना सीवीसी सामे रजू थई चूक्या छे। सीवीसीए आलोक वर्मा विषे जे पण तपास करी छे ते विषे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टने आपवामां आव्यो छे। सीबीआईनी आ तपास कमिटीनी आगेवानी सुप्रीम कोर्टना पूर्व जस्टिस A.K. पटनायके करी हती। 2016 सीबीआईमां नंबर 2 ऑफिसर रहेला आर.के. दत्तानी ट्रांसफर गृह मंत्रालयमां करीने अस्थानाने लाववामां आव्या हता। आर.के. दत्ता भविष्यना सीबीआईना डिरेक्टर मानवामां आवता हता, परंतु गुजरात केडरना आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थानाना सीबीआईना इंचार्ज चीफ बनावी देवामां आव्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट NS गुजरात न्यूज। तो गारियाधारना मॉडल विलेज परवड़ी खाते 0 बजेटनी कृषि शिबिर योजाई। जीवामृत गौमूत्रनो उपयोग करीने संपूर्ण झेर कृषि अपनाववानी वात करवामां आवी छे। झेर मुक्त कृषि अंगे विद्वान वक्तानु विचार प्रेरक मार्गदर्शन कृषिना ऋषि प्रज्ञाचक्षु दिनेश पंड्या प्रफुल्लभाई सेजलिया सहितना कृषि निष्णातों द्वारा ऑर्गेनिक कृषि अपनावानी सीख गौ संवर्धन वधे जीवामृत अक्सिर इलाज उन्नत खेती मुक्त मार्केट झेर मुक्त निरामय आरोग्य सौराष्ट्रना 6 जिल्लाना उद्योग रत्नो 5 धारासभ्यो हजारों कृषिकारो जंगमी तीर्थकर समाज संतोनी उपस्थितिमां 0 बजेट कृषि झेर मुक्त जीवन पशुपालन साथे परमार्थनो सुंदर संदेश भारतना अनेक राज्योमां झेर मुक्त ऑर्गेनिक कृषि करता सिक्किम सहितना राज्योना ऑर्गेनिक मार्केट अंगे मार्गदर्शन जीवामृतना फायदाओथी केवी सिद्धिओ मळी शके तेना उदाहरण साथे निष्णातोनी टकोर परवड़ी माधव गौशाला संकुल में हजारों कृषिकारों द्वारा कुदरती प्रकृति वातावरण परमार्थयुक्त झेर मुक्त जीवन अंगे ऑर्गेनिक कृषिना सामूहिक शपथ लीधा हता। नटवरलाल भाटिया साथे NS गुजरात न्यूज गारियाधार। तो हालना बुलेटिन में बस आटलू ज। વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો NS गुजरात न्यूज। नमस्कार।